हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 23 सितंबर को शूरवीरों की भूमि चित्तौड़ में होने वाले जौहर स्वाभिमानी सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। इसी कड़ी में इस सम्मेलन को सफल बनाने के उद्देश्य से श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना उदयपुर पहुंचे। इस दौरान मकराना ने राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों से मुलाकात कर इस सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा संख्या में किस तरीके से लोग चित्तौड़गढ़ पहुंच सके इसको लेकर भी राजपूत करनी सेना के स्थानीय पदाधिकारियों को मकराना द्वारा निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरे देश से राजपूत समाज के करीब 5 लाख लोगों के चित्तौड़गढ़ पहुंचने के संभावना है। सम्मेलन को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के राजपूत समाज के लोगों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर महिपाल सिंह मकराना उदयपुर में पत्रकारों से भी रूबरू हुए और जौहर स्वाभिमानी सम्मेलन को लेकर अपनी बात रखी। मकराना ने साफ किया कि पिछले कई समय से अलग अलग मांगों को लेकर राजपूत समाज का वर्तमान सरकार द्वारा लगातार तिरस्कार किया जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर भी इस सम्मेलन में स्थिति साफ की जाएगी। महिपाल सिंह मकराना ने इस दौरान दावा किया कि ये सम्मेलन राजपूत समाज का राजनीतिक क्षण नहीं है। अगर फिर भी इसे कोई राजनीतिक क्षण मानना चाहे तो वो मानने के लिए स्वतंत्र है। मकराना ने कहा कि पद्मावती फिल्म पर पूर्ण समीक्षा, सामराट प्रकरण में दर्ज मामलों में सभी को बरी करना, चतर सिंह एनकाउंटर मामले पर सीबीआई जांच और आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा को लेकर राजपूत समाज लगातार सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इन मुद्दों को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। इस वजह से राजपूत समाज उद्वेलित है। हालांकि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही इस सम्मेलन को राजनीतिक क्षण नहीं बता रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले राजपूत समाज द्वारा इस रैली का आयोजन कर अपनी ताकत को सभी सियासी दलों के सामने जरूर रखा जा रहा है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।